नमस्कार प्रिय मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है डीएसआर जोन में। मित्रों, दो लोगों के बीच अगर संबंध खराब हो रहे हैं, दो लोग जिनके बीच में बनती नहीं है, पति पत्नी हो सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका हो सकती है, कोई साथी हो सकता है, मित्र हो सकता है, भाई बहन हो सकते हैं, अगर कोई एक उनमें से नाराज है, इतना नाराज है कि वो उस संबंध को, उस रिश्ते को खत्म कर देना चाहता है, ये उपाय जो केवल एक खाली माचिस की डिब्बी से हो जाता है, हमेशा के लिए आपके संबंध को, आपके रिश्ते को सुधार कर रख देता है। सामने वाला व्यक्ति कितना ही रूठा हुआ हो, कितना ही नाराज हो, आपके बीच बिल्कुल भी बातचीत बंद हो, वो आपसे बस दूर जाना चाहता है, फिर भी वो आएगा आपके करीब, और जब आप ये उपाय एक बार कर लेंगे, वो इंसान, वो सामने वाला इंसान आपके लिए बेचैन होगा, तड़पेगा, आपसे मिलने के लिए बहाना ढूंढेगा, किसी ना किसी तरीके से वो आपके पास आएगा, आपको मनाएगा और अपने संबंध को, अपने रिश्ते को कर लेगा हमेशा के लिए ठीक। मित्रों, इस खूबसूरत से और सरल से उपाय को करने के लिए विशेष आपने कुछ भी नहीं करना है। उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी दिन, किसी भी समय, जब भी आपके पास खाली समय हो, इस उपाय को कर लें। बस उपाय को आपने गुप्त रूप से करना है, किसी से भी इसके बारे में कोई बातचीत नहीं करनी है। आपने क्या करना है, जब भी उपाय करें उससे पहले अपने हाथ मुंह पैर अच्छे से एक बार धो लें। एक स्थान पर कोई साफ कपड़ा, आसन, लकड़ी की चौकी, इस तरह का कुछ लगाकर उस पर बैठ जाएं। अगर आप पालती नहीं लगा सकते तो भी कोई बात नहीं है, हल्के से पैर मोड़ कर बैठ जाएं। आपने जैसा कि बताया, एक खाली माचिस की डिब्बी अपने साथ रखनी है। ये जो माचिस की डिब्बी होगी, अगर इसमें तीलियां हैं पहले से तो आप उन्हें हटा दें, केवल डिब्बी लेना माचिस की। साथ में आपने लेने हैं 7 चावल के दाने। 7 चावल आप लेंगे। जो चावल लेंगे वो टुकड़ा नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, सफ़ेद और लंबा चावल होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, 7 दाने आपने चावल के लिए हैं और आपने ली है माचिस की डिब्बी। आपने क्या करना है, जब आप बैठे तो माचिस की डिब्बी को एक बार अपने उल्टे हाथ से पकड़कर अपने माथे पर छुला लें, और जब माथे पर छुलाएं, हटाएं नहीं। जो व्यक्ति है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, चाहे वो स्त्री है, पुरुष है, लड़का, लड़की, जो कोई भी है, उसको आपने ध्यान करना है और 5 बार उसका नाम लेना है। नाम जो आप लेंगे, मन ही मन लेंगे, आपने मौखिक नहीं बोलना है। अब आपने ये माचिस की डिब्बी अपने सामने रख देनी है। ये ध्यान रहे कि सामने आपने कुछ बिछा लेना है, या आप कोई प्लेट रख लें, कुछ भी वस्तु रखें, लेकिन सीधा ज़मीन पर आपने नहीं रखना है। माचिस के डब्बू को उसके ऊपर रखें, और साथ में अब आपने जो आपके 7 चावल के दाने आपने लिए हुए हैं, उन दानों को अपने सीधे हाथ पर उठाएं, सभी दाने, और मुट्ठी बनाकर उनको, जो मुट्ठी होगी आपकी, उसको आप माथे पर चला लें, और जो आपके उल्टे हाथ की, जो आपकी तर्जनी उंगली है यानी इंडेक्स फिंगर है, उसे आप माचिस पर चला दें। इसके बाद आंखें बंद आपने की, स्मरण करके उस व्यक्ति को ठीक से जब आप ध्यान कर लें, याद कर लें, आपने इस शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण करना है। त्रि ओम त्रु अमुक वश्यह वश्यह स्वाहा। ये मंत्र आप बोलेंगे, अमुक के स्थान पर आपने उस व्यक्ति का नाम लेना है। ये मंत्र आपने 7 बार बोलना है। 7 आपके हाथ में चावल के दाने हैं, 7 बार आपने ये मंत्र बोलना है। अब आप आंखें खोलेंगे, ये माचिस की डिब्बी उठाएंगे, 7ों दानों को उस माचिस की डिब्बी के अंदर डाल देंगे, डिब्बी को कर देंगे बंद। अब आप इस डिब्बी को अपने पास संभाल लेंगे। अपने पास का अर्थ है अपने किसी भी निजी स्थान पर, जैसे आपने अलमारी में रख लिया, अपने पर्स में रख लिया, किसी भी जगह पर जहाँ पर वो आपके पास रहे, किसी की नज़र इस पर ना पड़े, ये आपने रख लिया। अगले दिन कभी भी, किसी भी समय, जब आपके पास समय हो, इस डिब्बी को चुपचाप निकालना, घर से बाहर चले जाना, और इस डिब्बी को या तो आप ज़मीन में कहीं भी, जहाँ आपका दिल करे दबा दें, चाहे आपके घर के आंगन में ही कहीं मिट्टी में दबा दें, या आप इसे ले जाकर बरगद या पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ आएँ। ये आपने कार्य करना है, और जब आप वहाँ छोड़ेंगे इसको, एक बार रखने के बाद देखेंगे नहीं, वापस मोड़ेंगे और सीधे घर आएंगे। आपने रास्ते में किसी से बातचीत भी नहीं करनी है। तो मित्रों, ये है उपाय, इसे आप करेंगे, मात्र 3 से 4 दिन में वो इंसान जिसके लिए भी आपने ये उपाय किया है,
लौट आएगा आपके पास और अपने सभी मनमुटाव गिले शिकवे दूर करेगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही बहुत ही शक्तिशाली उपाय के साथ। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार।